हेलो और वेलकम टू माय सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर है और सेट है 5। इससे पहले 4 सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेट में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। आज के सेट में हमारे पास एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन है और क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एरर डिटेक्शन का है। एरर डिटेक्शन के करीब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। उसके अलावा वोकैबुलरी में भी एरर डिटेक्शन के स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास नो एरर का है। हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी और नो एरर के लिए ई। इनमें से किसी एक पार्ट में मिस्टेक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पार्ट में मिस्टेक ना हो, ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि एक वन बाय वन हम क्या करेंगे कि पार्ट्स को चेकआउट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, इन इंडिया पीपल हैव द फ्रीडम, यानी कि भारत में लोगों के पास आज़ादी है, स्वतंत्रता है। सो पीपल हैव, यहाँ एरर्स कहाँ हो सकते हैं? वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कंजंक्शन में, प्रीपोजिशन के यूजेस में। सो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें क्या करना है कि चेक करना है। यहाँ वाले में हमारे पास क्या है, हमारे पास है पीपल हैव द फ्रीडम, यानी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है। हैव को हम चेक करते हैं। सो पीपल है, ये हैव किसके लिए आया है? ये हैव हमारा पीपल के लिए आया है। पीपल क्या है? प्लूरल है अगेन। सो इसके साथ हैव क्या है? हैव भी हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्रीमेंट में यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सो पार्ट ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं, ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट एट द, इसमें हमें ऐसा कोई सेंटेंस का कोई पार्ट नहीं है जिसमें कोई एरर हो। सो हमारा सेकेंड पार्ट भी सही है। सेम टाइम ईच ऑफ देम, ये भी सही है। सेम टाइम ईच ऑफ देम भी सही है, इसमें भी कुछ एरर होने जैसा नहीं है। जो ऑप्शन डी है वो क्या, हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन की सेंटेंस के कहने का मतलब है कि भारत में लोगों के पास क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की और अपनी भावना व्यक्त करने की आज़ादी है, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, लेकिन उसी के साथ साथ, एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, यानी कि उसी के साथ साथ लोगों को क्या करना चाहिए कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि उनके जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो याद होने चाहिए। सो हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब तो ये है। आगे हमें ए बी सी पार्ट में तो कोई एरर नहीं मिला। डी पार्ट में क्या है हमारे पास, हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यहाँ पर ये हैव जो है ये किसके लिए आया है? यहाँ पर ये हैव ईच ऑफ देम के लिए आया है। ईच क्या है हमारा? ईच सिंगुलर है। और हमारा हैव क्या आता है? हैव हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है ना उसी में एरर है। सो एरर हमारे कौन से पार्ट में है? एरर हमारे पार्ट डी में है। पार्ट डी में यहाँ पे हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। अगर ये हैज होता है, ईच ऑफ देम हैज, प्रत्येक व्यक्ति के पास, यानी कि ईच ऑफ देम हैज, ना कि ईच ऑफ देम हैव। सो हमारा एरर जो है वो पार्ट डी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी एरर डिटेक्शन का है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की संख्या, कंपीटिंग इन द गवर्नमेंट फंडेड इवेंट, यानी कि उन छात्रों की संख्या जो सरकार द्वारा फंडेड, सरकार द्वारा संपोषित इवेंट्स में पार्टिसिपेट या कंपीट करते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा करते हैं, हैज़ बिन फॉलन बिकॉज ऑफ द लो प्राइज मनी। उनमें गिरावट आई है क्योंकि उनकी जो प्राइज मनी है, उस कंपटीशन को जीतने वाले को जो प्राइज मनी मिलती है वो काफ़ी कम है, लो प्राइज मनी है, इसलिए उनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी संख्या कम हो गई। सो हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब ये है। अब चेक करते हैं पार्ट्स को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। कंपीटिंग इन द गवर्नमेंट फंडेड इवेंट, ये भी सही है। हैज बिन फॉलन, अगेन वर्ब है यहाँ पे, हैज बिन फॉलन, ये क्या कर रहा है कि हमारे सेंटेंस को पैसिव बना रहा है। हमारे सेंटेंस को हैज बिन फॉलन
has been fallen सेंटेंस को क्या बना रहा है, पैसिव बना रहा है, लेकिन सेंटेंस पैसिव फॉर्म में तो है नहीं. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि has been fallen की जगह केवल और केवल has fallen होना चाहिए. यहाँ पे been की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सो has fallen हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लो प्राइज मनी, जिसमें कि कोई एरर नहीं है, यानी कि हमारा एरर कौन से पार्ट में, पार्ट सी में एरर है. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्पीटिंग इन द गवर्नमेंट फंडेड इवेंट हैज बीन फॉलन बिकॉज ऑफ द लो प्राइज मनी. सो इस सेंटेंस में, इस सेकेंड क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट सी में एरर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या है, व्हाइल शी यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोशियस कैट नॉक्ड हर डाउन. नो एरर. फर्स्ट पार्ट है व्हाइल शी यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोशियस कैट नॉक्ड हर डाउन. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जब वो टहल रही थी, व्हाइल जब वो टहल रही थी, यहाँ पे वाइल लगा हुआ, जब वो टहल रही थी अलोंग द रोड, यानी कि जब वो रोड के किनारे टहल रही थी, तो एक जंगली और भयानक बिल्ली ने उसे गिरा दिया, काट के गिरा दिया. उस बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया. हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब ये. सो हमारे अगर हम पार्ट्स को चेक करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, व्हाइल शी यूज्ड टू वॉक. यहाँ पे व्हाइल है, व्हाइल का मतलब होता है कि कोई जो एक्शन है वो मोशन में है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आगे हम शी यूज्ड टू वॉक, जब वो टहला करती थी. यूज्ड टू क्या दिखाता है कि पास्ट में हमने कोई काम किया था, पास्ट में हमें किसी चीज़ की आदत थी, तो उसके लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं. जैसे आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा करती थी. सो ऐसे सेंटेंसेस में यूज्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस कहाँ से शुरू किया, वाइल. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जब वो रोड पे टहल रही थी तो एक बिल्ली ने उसे काट लिया या उसे घायल कर दिया. सो यहाँ पे यूज्ड टू जो होगा ना वो हमारा रॉन्ग होगा. सो फर्स्ट पार्ट में ही हमारे पास एरर है. यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वाइल, चूँकि यहाँ वाइल लगा हुआ है, वाइल शी वॉज वॉकिंग, वाइल शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोशियस कैट Knocked her down. So, ऐसे हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा. इसलिए जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में है, हमारा एरर जो है वो पार्ट ए में है. हमारा पार्ट ए रॉन्ग. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एरर डिटेक्शन का है. क्वेश्चन है आन्या इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड नो एरर. आन्या यहाँ तक कि वो ये कोशिश कर रही है, उसकी ये इच्छा है कि वो मेक्सिको को वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज बनाए, यानी मेक्सिको को उन सारे देशों में से पहला देश बनाए जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सभी लोगों के लिए सभी जगह पे बराबर बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी आन्या मेक्सिको को बनाना चाहती है. सो चलिए पार्ट्स को चेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट है आन्या इज इवन विलिंग, पार्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, इसमें कोई एरर नहीं है. टू मेक मैक्सिको अगेन ये भी सही है. वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू ये भी सही है. इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूसेज है, यहाँ पे क्या है इंट्रोड्यूसेज, यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूसेज है, ये इंट्रोड्यूसेज ही इस सेंटेंस को रॉन्ग कर रहा है. हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूसेज है, ये इंट्रोड्यूसेज इस सेंटेंस को रॉन्ग कर रहा है. वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है टू है, और टू के साथ हमेशा क्या लगेगा बेस वर्ब, टू के साथ बेस वर्ब लगेगा. इंट्रोड्यूसेस क्या है बेस वर्ब नहीं है, इसका जो बेस वर्ब होगा वो क्या होगा, वो होगा इंट्रोड्यूस. ये जो है ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है. इसलिए एरर हमारे कौन से पार्ट में है, एरर हमारे पार्ट डी में है. डी वाला पार्ट में एरर है, जहाँ पे इंट्रोड्यूसेस की जगह इंट्रोड्यूस होना चाहिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन है देयर वर नो सरप्राइजेस इन द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट बाई द आरबीआई एंड नो एरर, यानी कि इसमें कोई भी सरप्राइजेज नहीं थे. किसमें, इसमें कोई भी सरप्राइजेज नहीं थे इन द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. पहली द्विमाही जो मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रा नीति आई है अनाउंस्ड बाई द आरबीआई,
आरबीआई ने जो फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, घोषित किया है, उसमें कोई भी सरप्राइजेस नहीं है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। वो सारी चीज़ें ही उस पॉलिसी में अनाउंस की गई हैं जो एक्सपेक्टेड था। चलिए पार्ट्स को चेक करते हैं। देयर वर नो सरप्राइजेज, वर किसके लिए आया है? सरप्राइजेज के लिए आया है। वर भी हमारा प्लूरल है और सरप्राइजेज भी प्लूरल है, सो ये सही है। इन द फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, ये भी सही है। अनाउंसमेंट बाई दी, ये भी सही है। एंड पार्ट डी तो बहुत छोटा सा है, आरबीआई, ये भी सही है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस वाले पार्ट में नो एरर है, जिसके लिए हम ऑप्शन ई को चुनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है आज के सेशन में, वो क्या है? क्लोज टेस्ट का है। क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी हम मिस नहीं कर सकते। इस पे हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग है। एक पैराग्राफ को हमें फिल करना होता है जो काफ़ी स्कोरिंग होती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन मेड बोल्ड, ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय अ लेटर, फाइंड द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट कुड रिप्लेस द बोल्ड वर्ड सो एज टू मेक द पैराग्राफ मीनिंग। हमारे क्वेश्चन में करना हमें क्या है कि जो भी वर्ड्स बोल्ड बनाए गए हैं, जो भी वर्ड्स बोल्ड बनाए गए हैं वो क्या है कि उन्हें रिप्लेस करना है हमें ऑप्शन में दिए हुए वर्ड से, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन जाए। वो जो वर्ड वहाँ पे बोल्ड करा गया है, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो हम नो एरर को भी चुन सकते हैं। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ कॉशन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल कंसिडरेशन। हमारे इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैं, उन्होंने एक नोट ऑफ कॉशन बताया है, यानी कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को सावधानी पूर्वक डील करना चाहिए, वो ताकि अगले साल जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ना हो, जिसकी उम्मीद है हमें। दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल कंसिडरेशन, जिसको हमें अगले साल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है उसे हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें पूरी ध्यान से काम करना है। वो नोट बनाया गया है उसी के लिए, ताकि ऐसी क्राइसिस से नुकसान हमें ना हो। दैट यहाँ पे हमें फिल क्या करना है, अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल कंसिडरेशन। हमारे पास क्या है, कंसिडरेशन इस वर्ड के लिए, ये बोल्ड में है, इस वर्ड के लिए हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। सो हमारे पास जो वर्ड बोल्ड में है, कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, विचार करना, विचार करना या विचार में लाना। यानी कि सेंटेंस के कहने का मतलब है कि रघुराम राजन ने जो नोट ऑफ कॉशन जारी किया, ताकि अगले साल उस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो अगले साल उत्पन्न हो सकती है उस पर हमें क्या करना, विचार करना, उस पर हमें विचार करना, टेकन इन ऑल कंसिडरेशन। हमारे पास क्या पार्ट है, टेकन इन ऑल कंसिडरेशन, इस कंसिडरेशन के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट वर्ड ढूंढना है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है वो फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे हिंदी में संरचना भी बोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है, उत्पादन या प्रोडक्शन, यील्ड का मतलब हमारे पास है उत्पादन। सीरियसनेस, यानी कि हमें उस पर बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, सीरियसनेस यानी कि उसे बहुत सीरियस में हमें लेना है, टेक सीरियसली। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। सो उस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कौन सा, हमें रघुराम राजन ने जो फाइनेंशियल कॉशन के लिए नोट जारी किया है उसके लिए कंसिडर करना है, यानी कि उस पर हमें विचार करना, और उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड, रिप्लेसमेंट वर्ड आ सकता है। अगेन स्ट्रक्चर, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कंसिडरेशन का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, टेकन इन ऑल स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। प्रोडक्शन की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एंड स्टेबिलिटी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका इस कॉन्टेक्स्ट और इस पैराग्राफ से कोई भी लेना देना नहीं। सो कंसिडरेशन के लिए जो हमारे पास वर्ड आना चाहिए, वहाँ पे हमारे पास कहा क्या गया है कि, चलिए एक बार पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा क्या गया है कि जो भी रघुराम राजन ने नोट ऑफ कॉशन अगले साल की फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जारी किया, उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। क्या उस पर केवल विचार करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसे हमें क्या करना है कि पूरी सीरियसली लेना है, सीरियसनेस के साथ लेना है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
बी टेकन इन ऑल सीरियसनेस, यानी कि उसे हमें बहुत ही सीरियसली लेना है जो भी नोट उन्होंने जारी किया है कि इस बारे में कि अगले साल फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, उसके लिए हम क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सीरियसनेस। सो कंसिडरेशन को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा, वो होगा सीरियसनेस। सो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा आगे वो क्या है, इन हिज नोट टू पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी, इन हिज नोट टू पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी ऑन बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मिस्टर राजन हैज एस्टैब्लिश्ड 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि रघुराम राजन ने पार्लियामेंट की एस्टिमेट्स कमेटी को, जो एस्टिमेट्स कमेटी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बनाई गई, बैंक में दो तरह के एसेट्स होते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो लोन जो बैंक ने दिए हैं पर उसे वापस नहीं मिल रहे हैं, उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। सो रघुराम राजन ने पार्लियामेंट की एस्टिमेट्स कमेटी, और वो एस्टिमेट्स कमेटी किसके लिए बनी है, बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बनी है, उस कमेटी को उन्होंने क्या किया है, उस कमेटी को उन्होंने इस्टैब्लिश किया 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल, यानी कि 3 वो सोर्सेज, 3 वो स्रोत जिससे कि भविष्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं बैंक के लिए। सो मिस्टर राजन हैज इस्टैब्लिश्ड, जो सेकेंड वर्ड हमारे पास आना चाहिए वो किसके लिए रिप्लेसमेंट आना चाहिए, वो इस्टैब्लिश्ड के लिए आना चाहिए। इस्टैब्लिश्ड हमारा बोल्ड में, मिस्टर राजन हैज इस्टैब्लिश्ड, उन्होंने क्या किया, इस्टैब्लिश करने का मतलब होता है बनाना, या फिर हम ये जो वर्ड होता है इस्टैब्लिश्ड, इसे हम क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग को इस्टैब्लिश करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टैब्लिश करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वो क्या बता रहे, 3 मेजर पोटेंशियल सोर्सेज के बारे में वो बता रहे हैं, ना कि उसे इस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स, वो जो पोटेंशियल ट्रबल के सोर्सेज है, उसे मिस्टर राजन जो है वो खुद क्रिएट नहीं कर रहे, इस्टैब्लिश करने का मतलब क्रिएट करना भी होता है, सो उसे वो खुद क्रिएट नहीं कर रहे, वो केवल उस बारे में बता रहे हैं। सो इस्टैब्लिश तो हमारा कॉन्टेक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें क्या है, हमारे पास वर्ड है यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को प्रॉपर यूज़ करें, उसका लाभ उठाना। जो सेकेंड वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है बिल्कुल एक चीज़ पर अड़े रहना, किसी एक डिसीजन पर हम अड़े हुए हैं, सिंगल माइंडेड है उस डिसीजन के बारे में, तो हम कहेंगे कि हम उसके बारे में डिटरमाइंड है, यानी कि दृढ़ संकल्पित है। शुद्ध हिंदी अगर हम इसका देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये दृढ़ संकल्पित है। सो अब थर्ड ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्लैग्ड का मतलब होता है इंटेंडेड का मतलब होता है संभावित, इशारा करना, संभावना व्यक्त करना, ये हमारा क्या है, संभावना होना या फिर इशारा करना। अब हमारे पास एक गेस का मतलब, तो गेस्ट का मतलब तो हमें पता है कि वो क्या है, वो गेस करना होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी प्रॉब्लम को गेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है इसलिए हम किस चीज़ के लिए हमें गेस करना है, वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है, इसलिए गेस्ट जो होगा ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा। सो प्रॉपर यूज़ हमें क्या करना, प्रॉब्लम्स का प्रॉपर यूज़ करना है, ये भी बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली गलत है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉब्लम्स, चलिए एक बार पैराग्राफ पे आ जाते हैं, उन्होंने क्या किया कि मिस्टर राजन हैज डिटरमाइंड 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल, उन्होंने डिटरमाइन नहीं किया, यानी कि उन्होंने दृढ़ निश्चय नहीं किया है ऐसा कोई प्रॉब्लम्स के लिए। सो जो डिटरमाइंड होगा ये भी हमारे यहाँ कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लैग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्लैग, यानी कि उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि 3 ऐसे पोटेंशियल सोर्स है जो आगे भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सो इस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे जो इस्टैब्लिश्ड है इसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी जगह हमारे पास फ्लैग्ड होना चाहिए, यानी कि उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि ऐसे 3 पोटेंशियल सोर्सेज हैं जिससे कि भविष्य में परेशानी हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुद्रा क्रेडिट विच इज़ बेसिकली स्मॉल टिकट लोन्स ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस।
उन्होंने जो मेजर सोर्सेज बताए हैं वो क्या है, फर्स्ट क्या है, मुद्रा क्रेडिट जो कि छोटे लोन्स होते हैं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जो मध्यम और लघु जो बहुत छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको जो लोन्स दिए जाते हैं उन्हें मुद्रा क्रेडिट बोलते हैं। वो लोन्स जो है वो भविष्य में पोटेंशियल ट्रबल का कारण हो सकते हैं। आगे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि हमारा सेकेंड जो पोटेंशियल ट्रबल जो मिस्टर राजन ने बताया है वो क्या, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। फार्मर्स को हमें क्या करना है, किसान क्रेडिट कार्ड से हमने जो भी लोन्स दिए हैं तो हमने यहाँ क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड से फार्मर्स को कुछ लोन्स दिए हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्मर्स यानी कि फार्मर्स को कॉन्ट्रीब्यूट किया। कॉन्ट्रीब्यूट तब होता जब हम उन्हें लोन्स दे के माफ़ कर देते, बट लोन जो है वो हमें रीपे करना होता है। सो लोन क्या होगा हमारे यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो होगा वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिलेगा, तो हम लोन को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लोन हम दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, लोन को हम क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो होगा वो यहाँ कॉन्टेक्चुअली गलत है। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या क्या, बोरोइंग। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बोरोइंग, ये तो क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान लोन लेंगे ना कि देंगे। सो बोरोइंग का मतलब होता है, मतलब हम किसी से कुछ ले रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या सरकार किसानों से कुछ ले रही है, नहीं, वो तो किसानों को दे रही है लोन। सो बोरोइंग जो हमारा होगा ये बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, ये हमारा रॉन्ग होगा। चलिए अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लेंडिंग, ये क्या है, लेंडिंग का मतलब होता है गिफ्ट। सो सरकार क्या कर रही है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स को लोन दे रही है। सो वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग की जगह जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो होगा लेंडिंग। अगेन हेल्पिंग का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूटिंग के साइनोनिम्स ही होता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग का साइनोनिम्स ही होगा हेल्पिंग। सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग गलत है तो हेल्पिंग भी हमारा गलत होगा। हम किसान को हेल्प तो ज़रूर कर रहे हैं पर वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि हमने उन्हें लोन दिया है, उधार दिया है, लेंड किया है हमने। एंड देन असिस्टिंग, असिस्टिंग करने का मतलब भी होता है हेल्प करना, ये भी हमारा जो है वो रॉन्ग होगा। जो अप्रोप्रिएट हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, लेंडिंग, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसानों को लोन दे रहे हैं। सो लोन के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता, कुछ और अगर हम देते तो उसके लिए हेल्पिंग असिस्टिंग हो सकता था, लेकिन हम यहाँ लोन्स दे रहे हैं तो लोन के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो लेंडिंग ही होगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा सी, इसकी जगह पे हमारे पास लेंडिंग आना चाहिए। चलिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये सेकेंड जो है पोटेंशियल ट्रबल है। थर्ड है एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs रन बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो इस पार्ट को हमें पढ़ के कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैंक हमें फिल नहीं करना है। आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। द डिसबर्समेंट अंडर मुद्रा लोन्स अलोन इज 6.37 लाख करोड़ विच इज ओवर 7% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट। अगेन यहाँ भी कोई ब्लैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दीज लोन्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विच एम्स टू फंड द अनफंडेड। अगेन यहाँ पे हम रुकेंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है। यहाँ पे क्या, दीज लोन्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विच एम्स टू फंड द अनफंडेड। चलिए अब ये तीनों तरह के लोन्स जो दिए गए हैं किसानों को, MSME को और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, वो किसके तहत दिए गए हैं। ये जो लोन्स हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं जिसका मकसद क्या है, फंड द अनफंडेड, यानी कि उन लोगों की फंडिंग करना जिसके पास कोई फंड की पहले से व्यवस्था नहीं है। किसान हमारे गरीब होते हैं और MSME वाले और जो छोटे और मध्यम उद्योग वाले लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उनके पास कोई फंडिंग करने वाला नहीं होता, तो उनकी फंडिंग के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन्स सैंक्शन किए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सैंक्शन है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड जो होगा जिसे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस, पहला वर्ड है प्रोसेस्ड। सो लोन्स को, वो जो वर्ड आया है सैंक्शन किसके लिए आया है, वो लोन के लिए है। लोन को प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत, अगर लोन मिला है तो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लोन्स के साथ प्रोसेस्ड तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। गिवन, अब लोन हमें दिया गया है ये तो बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है, लोन दिया गया है गिवन,
डिस्ट्रीब्यूटेड लोन बांटा गया है, लोन हम बांटते केवल एक ही व्यक्ति को है, सो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये कॉन्टेक्चुअली गलत होगा, एंड डिस्टर्ब ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, डिस्टर्ब का इस कॉन्टेक्स्ट से कुछ लेना देना नहीं है। सो हमारे पास क्या ऑप्शन है, गिवन। क्या गिवन सही है सैंक्शन को रिप्लेस करने के लिए, क्या गिवन सही है? जब हम लोन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली लोन के लिए हम क्या, लोन क्या किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, लोन को हम सैंक्शन करें। हाँ, जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हमने लोन दिया, वी गेव द लोन, लेकिन लोन के लिए जो बैंकिंग टर्म्स में जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है, वो सैंक्शन है। सो यहाँ पे हमें कोई भी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि लोन के साथ सैंक्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी के फिलर्स को भी चेक कर लेते हैं। बाकी हमारे पास है एंड इज अ डैश, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ फिल करना, सिग्नेचर स्कीम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, गिवन दैट दीज आर स्मॉल लोन्स अप टू ₹10 lakh विद द बोरोअर्स मोस्टली फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स। सो यहाँ पे क्या है, एंड इज अ सिग्नेचर स्कीम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, और ये किस स्कीम की बात कर रहे हैं, फंड द अनफंडेड की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये सिग्नेचर स्कीम है किसका, एनडीए की सरकार का ये सिग्नेचर स्कीम। सो सिग्नेचर स्कीम यानी कि वैसी कोई स्कीम जो किसी चीज़ को पहचान देती हो, यानी कि एनडीए जो गवर्नमेंट है उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्कीम है वो क्या है, सिग्नेचर स्कीम है। तो चलिए अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। चलिए ऑप्शन हमारे पास है प्रॉमिसिंग, लॉयर, ट्रेडमार्क और केपेबल। सो वहाँ पे हमारे पास क्या था, सिग्नेचर स्कीम। चलिए देखते हैं, सिग्नेचर स्कीम यानी कि ये जो फंड द अनफंडेड जो स्कीम है ये एनडीए गवर्नमेंट की सिग्नेचर स्कीम है। सिग्नेचर स्कीम यानी कि उनकी सबसे फेमस स्कीम जो केवल और केवल उन्होंने बनाई हुई, यानी कि ये स्कीम केवल एनडीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, बाकी और किसी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, सिग्नेचर स्कीम है। चलिए देखते हैं किसके लिए क्या वर्ड हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब है वो जो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता हो। सो यहाँ पे हम स्कीम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड जो फेमस के लिए आना चाहिए। सो प्रॉमिसिंग तो बिल्कुल भी हमारा कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है। लॉयल, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लॉयल जैसे ये सिग्नेचर के लिए लॉयल को रिप्लेस करने, ये बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। ट्रेडमार्क हमारा सही हो सकता है, ट्रेडमार्क। केपेबल अगेन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये भी रॉन्ग। सो जब हम स्कीम के ट्रेडमार्क की मतलब, ट्रेडमार्क का मतलब ही होता है पहचान, पर सिग्नेचर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो केवल और केवल एक ने ही की हो। सो यहाँ पे हम सिग्नेचर को पहचान से रिप्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो रिप्लेसमेंट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा हमारा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।